हेलो हाय हाय आई वाज जस्ट सिटिंग देयर मैंने देखा तुम्हें अपना मोहितो सिप करते हुए ऐसे ग्रेसफुली सो आई थॉट आई विल कम से हाय ओके हाय हाय क्षितिज साक्षी नाइस टू मीट यू साक्षी यहां तक तो सब सही था बट इसके बाद तुम एक ऐसी चीज करते हो जिससे लगता है कि तुम उससे बात नहीं बल्कि उसके साथ केबीसी खेल रहे हो सो आप यहां रोज आते हैं ऑप्शन ए तुझसे क्या मतलब या फिर ऑप्शन बी अरे अपना काम करो भैया ऑप्शन सी दिन में चार बार तुझे क्या या फिर ऑप्शन डी क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो आई थिंक ऑप्शन डी तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो अरे नहीं मैं बिल्कुल मैं स्टॉक थोड़ा ना कर रहा हूँ आपको नहीं मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ आप मुझे दिखते नहीं हो आप पहली बार ही दिखे हो वैसे आप काम क्या करते हो ऑप्शन ए ये पक्का स्टॉकर है ऑप्शन बी तू किसी कंपनी का सीईओ है क्या ऑप्शन सी अबे क्यों पका रहा है या फिर ऑप्शन डी आई थिंक आई शुड लीव माय फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी आई थिंक ऑप्शन डी अगेन माय फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी आई शुड लीव दिस वाज मी अबाउट 10 इयर्स अगो रीजन सिंपल था क्योंकि मुझे वो तीन कॉन्वर्सेशन टेक्निक्स नहीं पता थी जिससे यू कैन हैव एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद एनी गर्ल And today, I will share those three secret techniques with you. हम जब भी लड़की से सवाल पूछते हैं हम प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं कि भाई तुम बातों को आगे बढ़ाओ और तुम कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाओ जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ केबीसी खेल रहे हो और मुझे भी कई बार लड़कियों ने ये बोला है कि भाई why does this sound like an interview? At the same time, तुम उससे उसकी पर्सनल डिटेल मांगने लग जाते हो तुम आज क्या कर रहे हो तुम इधर क्यों आए हो तुम्हारे दोस्त कहाँ पे हैं तुम क्या काम करते हो तुम कहाँ से आए हो व्हाट इज द वर्क दैट यू डू वो लड़की तुम्हें जानती नहीं है तो वो अपने पर्सनल डिटेल्स तुम्हारे साथ क्यों शेयर करेगी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज अ टेक्निक कॉल्ड टॉकिंग इन स्टेटमेंट्स नॉट questions where instead of asking her a question like where are you from you say something like this you don't look like you're from around here are you from mumbai no i'm not i'm from delhi oh अब इस एग्जांपल में देखो हाउ आई वांटेड टू नो वेयर शी इज फ्रॉम रादर देन आस्किंग कि वो कहां से है मैंने दिमाग में अज्यूम करा कि यार वेयर डू आई थिंक दिस गर्ल इज फ्रॉम सो मैंने वही सेम चीज स्टेटमेंट में बोली एंड रादर देन सेइंग वेयर यू फ्रॉम आई जस्ट सेड यू लुक लाइक यू फ्रॉम मुंबई लेट मी शेयर विद यू अनदर एग्जांपल जहां पे इंसटेड ऑफ यू आस्किंग और व्हाट डू यू डू फॉर वर्क तुम सेम बात को इस तरीके से कह सकते हो समथिंग टेल्स मी यू आर अ स्टाइलिस्ट नो आई एम एन एक्ट्रेस अच्छा व्हाट काइंड्स What is that question? Like, I mean, you're an actress who's doing movies, yeah, you're a struggling actress. Go away. अब यहाँ पे notice करो, कैसे मुझे उससे सवाल तो पूछना था, and मुझे उसके बारे में जानना भी था. बट कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाला मैंने सेम चीज बोली यू लुक लाइक यूर स्टाइलिस्ट नाउ शी कैन टेल मी व्हाट शी एग्जैक्टली डज एंड आई कैन क्रैक अ जोक ऑन दैट आई कैन टीज ऑन दैट और बात वहां से आगे बढ़ जाती है विदाउट मी टेकिंग द प्रेशर कि यार कॉन्वर्सेशन खत्म ना हो जाए कॉन्वर्सेशन बोरिंग ना हो जाए नंबर टू एग्जैजरेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स जब तुम लड़कियों से बात कर रहे होगे लड़कियां ऐसी चीज बोल देंगी और तुम्हें फंसा देंगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अब आगे क्या बोलूं दिस is something we called a shit test aur ye generally tab aata hai jab ladki thoda sa tumhari taraf attracted hai but she wants to test you ki kahin tum fake to nahi kar rahe ho jo tumhara confidence hai wo asli mein hai ya nahi she'll say something like do you do this often ya aur kitni ladkiyon ko jaake tumne yahi same line boli hai kabhi bhi tum aise kahin phans jao do something like this do you this often like talking to random girls in a cafe ha yahi to karta hu mere pe kuch kaam nahi hai main pure din apne dost ke saath wahin baitha rehta hu aur wait karta rehta hu kab sakshi aayegi usse baat karenge ab tum jaoge to aur ladkiyon se baat karunga din mein 230 ladkiyon se baat karta hu main lag raha hai bilkul acha kar raha hu na bahut are kya baat hai इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि रादर देन मी डिफेंडिंग माय सेल्फ बोल के कि नहीं नहीं मैं तो लड़कियों से बात ही नहीं करता मैं तो बहुत सीधा सा लड़का हूं आई एम नॉट वन ऑफ दोस फक बॉयज मैंने वो बात को एक्सेप्ट करा और उसको इतना एग्जैजरेट कर दिया कि वो फनी हो गई एंड बिकॉज वो फनी हो गई एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया एंड जिसकी वजह से शी गॉट इवन मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आने लग गई शिट टेस्ट तो पास होने लग गए बट मैं दिमाग में हमेशा सोचता था कि इस लड़की को इंप्रेस कैसे करूं और मुझे समझ नहीं आता था टिल द टाइम आई फिगर्ड आउट दिस वन थिंग कि यार लड़कियों को तुम्हें इंप्रेस करना ही नहीं है You just need to express yourself in a better way. I'll explain. यार जब भी हम लड़की से बात करते हैं हम सोचते हैं इसको पसंद क्या है तो हम उस बारे में बात करेंगे इसको कौन सी मूवी पसंद है हम उस बारे में बात करेंगे अगर इसको रोमांटिक मूवीज पसंद है तो हम बोलेंगे मुझे भी पसंद है इसको पिज्जा पसंद है हमें भी पसंद है पास्ता पसंद है हमें भी पसंद है जब भी हम लड़की से ऐसे बात करते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं उसको ये साफ साफ दिख जाता है कि ये लड़का पीपल प्लीजर है और हम एक नाइस गाय सिंड्रोम में वहां पे फंस जाते हैं अगर तुम कभी भी अपना स्टैंड नहीं रख सकते हो अपने बारे में बात नहीं कर सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो लड़की का अट्रैक्शन तुम्हारे लिए धीरे धीरे करके कम हो जाएगा सो व्हेन यू टॉक टू अ गर्ल इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इसको क्या सुनना है ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टॉक अबाउट
अबाउट योर पैशंस, योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज, तुम्हें क्या पसंद है या तुम्हारी क्या स्टोरीज हैं अभी तक की. यू कैन टॉक अबाउट योर ट्रैवल स्टोरीज, योर एडवेंचर स्टोरीज, या जिस बारे में तुम्हारी उससे बात हो रही है लड़की से, उसको अपने से रिलेट करके तुम एक स्टोरी बता सकते हो. समथिंग लाइक दिस. देखो यार, मैं तो हूं रंगबाज लौंडा. रंगबाज लौंडा? तुम्हें पता नहीं? तुमने बरेली की वर्सी नहीं देखी? नहीं. तुम कर क्या रहे हो जिंदगी में? बहुत कुछ. लग तो नहीं रहा. तुमने बरेली की बर्फी नहीं देखी, बाकी जो भी कर रहे हो क्या फायदा. स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बरेली की बर्फी भी नहीं देखी, क्या सीन है? आप देख के आऊंगी नेक्स्ट टाइम. देखनी पड़ेगी. उसमें एक सीन है बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट सीन है. क्या? ऐसे ही होता है वो रंगबाज लड़का. अच्छा. उस लड़कियों से बात नहीं होती तो उसको सिखा रहा होता है कि भाई कैसे बात करनी है. जैसे तुम? हाँ, जैसे मैं. फिर वो सीख जाता है एंड में. बहुत ही बढ़िया. वो हमारा आयरन मैन लाइफस्टाइल है ना, उसकी तरह. तो अगर तुम उन स्टोरीज के बारे में बात करोगे जिनके बारे में तुम जेन्युइनली एक्साइटेड हो, वो एक्साइटमेंट सामने वाले को भी फील होती है. और क्योंकि उसको एक्साइटमेंट फील होती है, शी विल बी मोर अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज शी विल बी इन दैट पॉजिटिव इमोशनल स्टेट तुम्हारे साथ. वंस आई मास्टर दीज थ्री टेक्निक्स ऑफ टॉकिंग इन स्टेटमेंट्स नॉट क्वेश्चंस, ऑफ एग्जैजरेटिंग ऑन अ शिट टेस्ट एंड नॉट ट्राइंग टू इंप्रेस द गर्ल बट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मेरे कॉन्वर्सेशंस बिकेम सो मच बेटर एंड गर्ल्स स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू मी. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स एंड गेट कोच बाय मी, सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड बुक योर फ्री डेटिंग कंसल्टेशन कॉल विद वन ऑफ आवर डेटिंग एक्सपर्ट्स. ऑन द कॉल हमारे डेटिंग एक्सपर्ट तुमसे बात करेगा, समझेगा कि अभी तक तुम्हारी लाइफ कैसी गई है, तुम्हारी डेटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है, तुमने कितनी लड़कियों से बात करी है, इफ यू हैव एनी सोशल एंग्जाइटी और नॉट, इफ यू हैव एनी पास सोशल और डेटिंग एक्सपीरियंस और नॉट. और इसके साथ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर योर गोल्स विद डेटिंग एंड वो क्या चीजें जो तुम्हें रोक रही हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए. सो बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद अस, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड.